Hello, my dear students. How are you? Today I brought a topic, the fun day hai. Okay, तो ये हमारा पहला chapter है, the fun day hai, and it was written by Isaac Asimov. Before explaining the summary of the chapter, I just want to tell you about the writer. Okay, तो सबसे पहले बच्चों, we will study about the writer. अच्छा, writer कौन है? Writer Isaac Asimov है. और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और अमेरिकन राइटर थे, ठीक है. और इन्होंने बहुत सारे लेटर्स, पोस्टकार्ड्स, इस तरह से चीजें लिखी है, 500 से ज्यादा बुक्स लिखी है, ठीक है. तो बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट होता था वो बड़ा साइंस फिक्शन बेस्ड सब्जेक्ट होता था, दैट्स व्हाई ही हैड रिटन दिस काइंड ऑफ स्टोरी. ओके, तो चलो पढ़ते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी. आइए, ये स्टोरी जो शुरू होती है वो 17 मई 2156 एग्जैक्टली मींस आज से 140 इयर्स बाद की स्टोरी है. आइज़ैक जो एसिमोव है वो कहते हैं कि आज से 140-150 इयर्स के बाद बच्चे जो हैं वो टीचर से नहीं पढ़ेंगे, वो अपने किसी वर्चुअल टीचर, मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे. एक रूम होगा, उस रूम में उनका मैकेनिकल टीचर आएगा और वही उन्हें आके पढ़ाएगा. इस तरह की मस्ती नहीं होगी जैसी आजकल हम करते हैं, क्लास रूम्स में होती है. आप भी बुक से पढ़ते हैं, मैं भी बुक से पढ़ाती हूँ, ठीक है. तो इसका मतलब जो ये बुक का जो फन है वो कुछ ही सालों तक रहने वाला है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. तो इस स्टोरी में ये वो बच्चे हैं जो आज के 140-150 ईयर्स बाद के बच्चे हैं, और वो जब बुक्स के बारे में, स्कूल के बारे में, आज की बुक्स और स्कूल के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो कितना वियर्ड रिएक्शन होता है. वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी कभी होता था, ठीक है. तो इसमें दो बच्चे हैं, एक है टॉमी और दूसरी गर्ल, एक टॉमी है और दूसरी है मार्जी. टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है और जो मार्जी है वो 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है. ओके, व्हाट हैपेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. एक डायरी लिखती है मार्जी की, जो हैबिट है वो डायरी लिखने की है, ठीक है. जब वो डायरी लिख रही होती है उसने डायरी में लिखा कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब आप कहेंगे बुक्स तो सारी रियल होती हैं, बट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि वो बच्चे बुक्स का मतलब उस समय उन्हें बुक्स का मतलब कुछ नहीं, लाइक उनकी जो स्क्रीन होती थी टीवी स्क्रीन, उसमें ही सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में जो आजकल आपको मिल रही हैं उसी तरह से उनको मिलती थी. मैकेनिकल टीचर आता था उन्हें पढ़ाता था, तो उनके लिए बुक का मतलब कुछ अलग ही था, ठीक है. तो यहाँ पर जो बुक है वो हमारी बुक है, इसलिए वो जो मार्जी है वो उसे रियल बुक कहती, बोलती है कि टॉमी को आजकल एक रियल बुक मिली है. और जब वो उस बुक को देखती है तो वो जब टॉमी को बुलाती है, जब टॉमी उसके पास आता है तो दे स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द बुक, व्हाट दे वर डिस्कसिंग. क्योंकि जो बुक होती है वो बड़ी क्रंची सी होती है, उसके पेज होते हैं बड़े ऐसे क्रिंच, क्योंकि जब कोई भी बुक पुरानी हो जाती है तो वो येलोइश हो जाती है, उसके पेज बड़े क्रंची से हो जाते हैं. तो वो कहती है कि ये तो मुझे लगता है बहुत पुरानी बुक है और ये इतनी अजीब है, लाइक कैसे बच्चे उस समय, मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो स्कूल जाते थे और वो इसी तरह की बुक्स को पढ़ा करते थे, और यानी कि उनके भी स्कूल होते थे, उनके यहाँ भी इसी तरह की बुक्स होती थी. कितना बोरिंग रहा करता होगा कि बुक्स को बार बार पलटना पड़ता है, या तो हम स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इतना बोरिंग और इतना टाइम टेकिंग होगा, और सबसे बड़ी बात टॉमी कहता है कि कितना बुरा लगता होगा उन बुक्स को जब पढ़ लेते होंगे स्टूडेंट, फिर उसे थ्रो कर देते होंगे. इससे तो बेटर मेरी ये टीवी स्क्रीन है जिसमें मैं ढेर सारी बुक्स को स्टोर कर सकता हूँ और मुझे फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, तो फिर आगे कहानी में बढ़ते हैं. जब जब ये इस तरह की बातें खत्म होती तभी जो मार्जी की मदर है मिसेस जॉन्स उसे बुलाती हैं. मार्जी, कम ऑन, कम हियर, इट इज योर स्कूल टाइम. यानी इसका स्कूल उसी रूम में बंद, एक मैकेनिकल टीचर आएगा उसे पढ़ाएगा. आजकल मार्जी को एक मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होता है ज्योग्राफी, और उसमें उसके मार्क्स बड़े ही गंदे आ रहे होते हैं. उसके मार्क्स ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि आप जब गुलाब जामुन या बर्फी देखते हैं तो आपके मुंह से पानी गिरता है, यानी बहुत गंदे मार्क्स आ रहे होते हैं.
ठीक है, अब क्या होता है जब वो बड़ी दुखी सी हो जाती है, जैसे ही उसका टीचर आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका टीचर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसके पास बहुत गंदे आ रहे थे, तो उसकी मदर है वो बहुत वरिड हो रही थी कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उसे ठीक करने के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो मार्जी जो है उस समय बड़ी खुश हो जाती है, अच्छा है छुटकारा मिला कम से कम मुझे एक महीने तक, क्योंकि टॉमी का भी खराब हुआ था मैकेनिकल टीचर, तो उसे उसका हिस्ट्री का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था और उसे ठीक करने में एक महीना लग गया था। तो मार्जी वॉज थिंकिंग कि मेरे साथ भी यही होगा, अब मुझे भी एक महीने उस टीचर को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता और मार्जी का जो टीचर है वो जल्दी से, जो काउंटी इंस्पेक्टर है जो कि थोड़ा सा मोटा सा है, जिसकी जो फेस है वो बड़ा टमाटर जैसा है, यानी कि बहुत गोरा है, तो उसके बाद वो उसे ठीक कर देता है और वो कहता है कि इसमें जो मार्क्स गंदे आ रहे थे वो उसमें मार्जी की गलती नहीं थी, एक्चुअली ये जो इसका जो मोड था वो बहुत हाई लेवल पर सेट था, अब मैंने इसे नॉर्मल लेवल पर सेट कर दिया है, कोई इशू नहीं है, अभी इट विल वर्क प्रॉपरली। ठीक है, ओके, लेकिन मार्जी का तो फेस बना हुआ है। ठीक है, थोड़े देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद की दोबारा क्लासेस होती हैं, फिर आता है और जब वो थोड़ा इंटरवल होता है वो बाहर निकल जाती हैं, तभी टॉमी बोलता है उससे कि टॉमी एक बात बताओ, कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पर जब इतने सारे फ्रेंड्स होते होंगे क्लास में और एक टीचर से लोग कैसे पढ़ते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आता, और मेरी मदर कहती है कि उस टीचर को लोग कैसे, मतलब टीचर होता है तो टीचर को तो सभी को फॉलो करना पड़ता है, तो एक टीचर से इतने सारे बच्चे कैसे मैनेज होते होंगे, मतलब सारे बच्चे वही काम कर रहे होते होंगे जो टीचर कह रहा होता होगा, कितना मज़ा आता होगा, सब साथ में बैठे होंगे, सारे बच्चे एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर रहे होंगे, वाओ इट वुड बी अ ग्रेट फन। तो टॉमी कहता है कि हाँ हो सकता है, मतलब थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है वो, क्योंकि अभी वो छोटा है 13 ईयर्स का है, तो अपने उसके अकॉर्डिंग यू आर शोइंग एटीट्यूड कि हाँ मेरे पास एक बुक मिली है और बस लाइक दैट। ठीक है, तो अब क्या होता है, तभी उसकी मदर उसे दोबारा से बुलाती है कि बेटा आपका क्लास है सो कम एंड अटेंड इट, और वो जाती है तो उस समय अरिथमेटिक का जो टीचर होता है वो उसे एडिशन और फ्रैक्शन का दे रहा होता है सम्स। तो सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले जैसे टीचर आती है वो कहती है बच्चे शो मी योर होमवर्क, ऐसे ही वो टीचर भी कहता है सबमिट योर होमवर्क, तो वो जैसे ही होमवर्क सबमिट करने के लिए कहता है, फेस जो होता है मार्जी का बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है और जैसे तैसे वो होमवर्क सबमिट करती है और फिर से पुराने ख्यालों में खो जाती है कि कितना अच्छा रहा होगा उस समय कि सारे टीचर्स मिलते होंगे और फिर स्टूडेंट्स मिलते होंगे, आपस में फ्रेंड्स बनते होंगे, तो कितना मज़ा आता होगा उस स्कूल में, इसी तरह से वो ख्यालों में खो जाती है और अरिथमेटिक टीचर पढ़ाता रहता है और वो अपने ड्रीम्स में रहती है कि पुराने समय में क्या होता होगा, और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्टोरी में बहुत मज़ा आया होगा, तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस स्टोरी का मोरल बताएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो फन आपके अभी जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं इसमें है वो किसी मैकेनिकल टीचर में नहीं है, बिकॉज मैकेनिकल टीचर में ना तो इमोशंस होते हैं और ना ही आप उससे कुछ शेयर कर सकते हैं इमोशनली, या अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते रिलेटेड टू योरसेल्फ। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई, बस सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, ना ही आप फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं आपकी क्लास में उनको भी नहीं मिल सकते आप। ठीक है, तो यानी कि स्कूल टाइम, स्कूल आवर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें खूब जम के पढ़ाई करनी चाहिए और थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चे साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन आंसर्स को आपको इमिटेट कभी नहीं करना है, सिर्फ आपको समरी पढ़नी है अच्छे से और समरी से ही आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जिस बच्चे ने प्रॉपर समरी पढ़ा है, अच्छे से वोकैब किया है, वो बच्चा अच्छा स्कोर करता है इंग्लिश में ऑलवेज। ओके, सो हैव योर कमांड ऑन राइटिंग एंड स्पीकिंग टू, देन डेफिनेटली यू विल एक्वायर गुड मार्क्स। सो विद दिस लेसन, थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।